तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स जिसकी वैल्यू है 7x-5 और एक है जी एक्स जिसकी वैल्यू है x³-4x और मुझसे एक अजीब सी चीज़ निकालने की बात कर रहे हैं फाइंड एफ टाइम्स जी ऑफ एक्स। एक्स यहाँ साइड में रखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है एफ टाइम्स जी। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये जो लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि मैं एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपस में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ एफ टाइम्स जी ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ कि मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स जो आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मुझे एफ एक्स और जी एक्स की इक्वेशन दी हुई है, मैं यहाँ पर एफ एक्स उठाता हूँ, ये है 7x-5 और इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी एक्स की डेफिनेशन से। जी एक्स मुझे गिवन है यहाँ पे x³-4x। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सपैंड करके, ये हो जाएगा 7x into x cube हो जाएगा मेरा 7 as it is और x into x cube x की पावर 1 into x की पावर 3 हो जाएगा x की पावर 4, 1+3 4 होता है। फिर इसमें ऐड करता हूँ 7x into -4x, तो 7 into 4 हो जाएगा 28 और ये एक साइन माइनस का है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसको मैं हटा के यहाँ लिखूँगा माइनस 7 into 4 हो जाएगा 28। दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा 28 x की पावर 1 into x की पावर 1, ये हो जाएगा x² 1+1 2 होता है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर है -5 into x क्यूब, ये है -5 into x क्यूब, तो -5 as it is -5 इधर लिख दिया, यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, यहाँ पर x की पावर है 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x³। -5 को जब मैं x³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा -5 x³। फिर आता है -5 into -4x, -5 into -4x, -5 into -4x हो जाएगा, -5 into -4 हो जाएगा +20, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, +20 और यहाँ पर सीधा नीचे लिखता हूँ x। तो ये जो मेरा नया फंक्शन है ये हो जाएगा f टाइम्स g ऑफ x। लिखने का तरीका अलग है लेकिन हम काम वही कर रहे हैं, हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं।